मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1G को समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, फ्रॉम ए रूप एक रस्सी है 11 मीटर लॉन्ग, टू पीसेज ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 एंड 3 होल 2/3/10 मीटर आर कट ऑफ। उसमें से काट दिया गया दो इस मीटर का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रूप। अब देखो, मान लो ये पूरी रस्सी है 11 मीटर, उसमें से इतना पार्ट जो देख रहे हो 2 होल 3/5 मीटर और 3 होल 3/10 मीटर रस्सी काट दिया गया। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को हम एक्स मान लिए, तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या होगा? फिगर के अकॉर्डिंग देखने से क्या लग रहा है, 11 मीटर ही हो जाएगा। अब इसे दोनों का एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व किए तो 59/10 है, 59/10 उधर गया, प्लस उधर जाएंगे एलएचएस से आरएचएस में, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर यहाँ पे एलसीएम ले 10, सॉल्व किया तो 11/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 होल 1/10 मीटर हो गया। तो हमारा रिमेनिंग ग्रुप का जो लेंथ होगा ये बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ ए क्लॉथ एट रेट ₹36 होल 3/4 पर मीटर। मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना दिया, इतना दिया 36 होल 3/4। तो 3 होल 2/5 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो 128 होल 19/20 रुपीज आंसर आएगा। इसे 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग एट एवरेज स्पीड 40 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1/2 आवर। वन आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 होल 2/5 आवर किलोमीटर लिख देंगे। सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 होल 1 आवर इक्वल टू 40 होल 2/5 किलोमीटर, फिर 7 होल 1/2 मीटर आवर में कितना करेगा डिस्टेंस, और इसलिए मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, मैंने लिख दिया स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कैंसिल करेंगे तो 303 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ 3/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, नंबर का 3/5 एक्सीड इट्स 2/7/44, फाइंड द नंबर। मतलब नंबर का 2/4 से कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, 44 बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, मानना लिया है कि लेट नंबर इक्वल टू एक्स, 3/5 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2/7x+44। अब इस 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 3x/5 हो गया। अब ये देखो 2x/7 को इधर ले आओ LHS में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। सेम लिए 35 हो गया 7/5 का, 21x-10x=44। सॉल्व करेंगे तो 11x/35=44। इस 35 को डिवाइड में उतर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला गया। 11x है तो 11 का मल्टीप्लाई में है एक्स के, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 11/5 में आ जाएगा। 11 1 11 11 4 44, अच्छा 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, ये हमारा क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। अब आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को 1G को कम्प्लीटली सॉल्व करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, और ये आपको सेल्फ के लिए दिया गया है, ऑब्जेक्टिव बनाने का है। खैर इसमें भी हम बनाएंगे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।